आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह नवरात्रि का दिन चल रहा है, शारदीय नौरता, नौ दिनों का अनुष्ठान साधना पूजन करने का दिन, 19 तारीख तीसरा नौरता, नवरात्रि का तीसरा दिन, 20 तारीख को मंगलवार है और चौथा नौरता है, उसी दिन संकष्टी चतुर्थी है, यानी वो दिन अंगारिका चतुर्थी बोल सकते। ऐसे चौथा नवरात्र मां लक्ष्मी का बोला जाता है, लक्ष्मी और गणेश जी का सम्मेलन, नेशनल सॉलिडारिटी डे भी है। सॉलिडारिटी डे 1962 में चाइना ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, उसके मान में मनाया जाता है। जब विदेशी हमला होता है तब देश को जरूरत होती है एकता की, इसलिए ये राष्ट्रीय एकता दिवस है। सबको एक होना, राष्ट्र प्रथम धर्म बाद में, ये परिभाषा सबको याद रखने की जरूरत है। हिंदुस्तान की सार्वभौमत्व और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की एकता ही हर चीज में प्रगति ला सकती है। हम बिखरे हुए धर्म के नाम से, हम बिखरे हुए हमारे संप्रदायों के नाम से, हम बिखरे हुए जाति के नाम से, उसमें अगर एकता आ जावे, देश की बात होए, तब हम सबको एक हो जाना पड़ेगा। आगे की बात करें तो ये दिन 20 तारीख को ही वर्ल्ड ऑस्ट्रेपियस दिन है, यानी 1996 से ये दिन मनाया जाता है। ऑस्ट्रेपियोसिस डे यानी कि हमारी हड्डियों की संभाल करने का दिन। आमतौर पे आप देखते हो कि पहले के जमाने के लोगों की बात करूं तो बड़ी बड़ी उम्र तक लोग चलते थे, कैसे भी चलते थे। आज हाल है ये है, हमारी खाने पीने की रहने की सब रहन सहन बदल जाने के कारण आज 45 साल 50 साल की उम्र के बाद में हमारे हड्डियों में तकलीफ चालू, किसी को नी रिप्लेसमेंट कराने पड़ते हैं, किसी को हड्डियों में कोई और तकलीफ होती है, एक्सीडेंट के कारण हड्डियों में तकलीफ होती है। हड्डियों की संभाल रहना बहुत जरूरी है। इसकी संभाल लेने के लिए सबसे पहली चीज है हमारा खाना पीना, और दूसरी चीज है थोड़ी हल्की एक्सरसाइज, थोड़ा योग, यही सब मिला के हमारी हड्डियां मजबूत रह सकती है। हम आधुनिक सुविधाओं में कहीं ना कहीं ऐसे फंस गए हैं कि आधुनिकता अपनाते अपनाते हम ओरिजिनलिटी से दूर हो गए। आगे की बात करें तो 21 तारीख को पांचवा नौरता यानी मां सरस्वती का आह्वान होता है, इस दिन सरस्वती का पूजन शुरू होता है। छठा नौरता हेमंत ऋतु का प्रारंभ 22 तारीख को, हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, सने सने ठंडी का मौसम का अनुभव सबको होगा। इसके बाद की बात करूं तो 23 तारीख को सातवां नौरता सप्तमी, साथ साथ इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे। जो लियोपर्ड्स यानी चीते बोलते हम, स्नो में रहते हैं यानी बर्फ जहां आच्छादित होता है वहां पे रहते हैं, उनके मन में 2013 से मनाया जाता है। कई कारणों के कारण, कई बातों के कारण इसकी वस्ती कम हो रही है, तो इसको जागरूकता लाने के लिए वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ने इसको डिक्लेयर किया है। थोड़ा ख्याल रखना चाहिए प्राणियों के बारे में भी। आगे की बात करें तो 24 तारीख को दुर्गा अष्टमी, ऐसे हर माह में अष्टमी आती है, मगर ये अष्टमी का महत्व बहुत अलग होता है। यह अष्टमी को यज्ञ होता है, यह अष्टमी को इस टाइम पूर्णाहुति भी होगी, क्योंकि अष्टमी के दिन ही नवमी भी है, महानवमी भी, तो नवरात्र का समापन होगा।
सरस्वती की जो पूजा चल रही थी पंचमी के दिन से, वो आज विसर्जित होगा। उसी दिन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डे 1945 से इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड फ्लैग 1942 में आया, मगर यूनाइटेड नेशन की सत्तावार स्थापना 1945 में हुई। उसको नेशनल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी बोला जाता है। हर देश की हालत क्या है, हर देश को क्या तकलीफ है, हर देश को क्या चाहिए, कुछ देशों में युद्ध होता है तो क्या व्यवस्था करनी चाहिए। WHO जैसी अलग अलग संस्थाएं भी खड़ी कर दी गई है। ये सब काम ही उन्होंने किया है। कोरोना की महामारी में WHO की वैल्यू क्या है वो सबको पता चल रही। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर यूनो, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब यूनाइटेड नेशन सब देशों की एकता की बात है। आगे की बात करें तो 25 तारीख को विजयादशमी, उसी दिन बुद्ध जयंती। विजयादशमी की बात करूं तो राम और रावण का युद्ध, यही दिन दशमी का, कि राम ने रावण को मारा था। मगर कोरोना की महामारी में कई जगह पे, ज्यादातर जगह पे हिंदुस्तान में राम रावण इस साल जलाए नहीं जाते। रावण हमारे में रहे अधर्मों की बात है, दुष्कर्मों की बात है, इसको नाश करने की बात है। और रावण दहन होता है हर विजयादशमी को। अधर्म पे धर्म का विजय, अधर्म पे धर्म का विजय, उसी दिन को विजयादशमी बोलते हैं। श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है नया धंधा शुरू करने के लिए, नया कार्य शुरू करने के लिए, इसका कोई चौगड़िया देखना नहीं जाता है। हिंदू धर्म की प्रणाली में ये बहुत बड़ा दिन है। हर जगह पे विजयादशमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है पूरे देश भर में, क्योंकि ये तो अनेकता में एकता का देश है। आगे की बात करूं तो नेपाल में जन्मे हुए बुद्ध की जयंती है। ईस्वी सन 563 में इनका जन्म हुआ था, 6वीं सदी। सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति खुद एक तप करने चले गए, बौद्ध धर्म की स्थापना की और जगत को सच्चा राह दिखाया। कई लोगों की गैर मान्यता है बुद्ध हिंदू नहीं है, मगर ये गलत है। बुद्ध हिंदू का ही पाप है। कोई भी धर्मों को अंदर से जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सही चीजें जानते। कई लोग वेद भ्रम धर्म के अंदर डाल देते हैं। हमारा प्रयत्न यही होता है कि धर्म आप तक सही तरीके से पहुंचे, धर्म के हमारे सप्ताह में आते हुए त्योहारों आप तक पहुंचे। इसको बरकरार रखने के लिए आप सबको विनती करता रहते हैं हम हमेशा के, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, बहुत तक ये शेयर करिए, लोग देखे पढ़े समझे। आज के यंगस्टर को कई चीजें पता नहीं है देशों के बारे में, राष्ट्र के बारे में, हमारे त्योहारों